Saudara saja de. भाई बैठ सकता ही नहीं कोई। बचपन के प्यार भरे गाने बचपन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त विजेंदर। मैं हूं सुनील। और मैं मुनीश। तो दोस्तों, आज जो हमें सजेशन भेजा है वीडियो का, वो है कमल भाई का, कमल रामगढ़िया जी। और आज इन्होंने जो सॉन्ग भेजा है वो है दिल दा मामला बाय गुरदास मान। तो गुरदास मान जी के तो हम वैसे ही फैन हैं, और इस गाने पे हम भी चाहते थे रिएक्शन करना, जो इनका पुराना गाना था ओरिजिनल। पर ये जो इन्होंने लिंक भेजा है हमें, ये है पीटीसी का लिंक है एक चैनल का, तो इन्होंने लाइव परफॉर्मेंस किया था। ये अवार्ड फंक्शन से थे पीटीसी पंजाबी फिल्म के लिए, उसमें परफॉर्मेंस थी इनकी। तो आइए देखते हैं वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। हर शख्स का जीना अजीब होता है, जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है। कहां मिलता है मोहब्बत में सकूं यारो, ये तो अपना अपना नसीब होता है। क्या बात है, जवानों की अभी शादी नहीं हुई। मर जो मैं मशुरा भाई क्योंकि अपनी गली में कुत्ता भी चीज होता है। बहुत सही। कभी आशिक को मोहब्बत में ना मारो ताने, अरे आशिक दिल का मरीज होता। बिल्कुल सही। मतलब क्या लिखा है आप लाइन। ऐसा क्यों होता बोल गया। अंदाज पुराना ही है। बापू कहता जजमान एज का पता नहीं चलता इतना। आज से 30-40 साल भी पहले भी ऐसे ही, मतलब डांस परफॉर्मेंस ऐसी, आवाज देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, चेहरा देख लो, एनर्जी। सारे नचा दिए। लाइव देखने का मजा आ रहा है। लाइव का अलग ही मजा। सरताज सारे तो इसको देख देख के बड़े हुए हैं। इसके गाने सुन सुन के इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पे लेके आने का मतलब बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो
पूरा जोश भर गया भाई। भाई बैठ सकता ही नहीं कोई। बचपन के प्यार भरे गाने डॉक्टर
दे गया वाह यार वाह, मतलब मजा आ गया भाई साहब, पूरी एनर्जी भर लाइव लाइव हो जाए ना एक लाइव में तो भाई साहब मजा आ जाए, जो बीट है ना चलता है ना, मतलब साउंड वैसा आता है ना जब ओरिजिनल, तो बिल्कुल एनर्जी सी भर गई एकदम शरीर में ना शुरू में, मतलब पहला जो वो पूरा सुनाया जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है, वहां से फिर दिलते गए लाइनें गली में कुत्ता भी चीज होता है, मतलब वो लाइनें जो हर एक आशिक का मरीज होता है और सच्ची बातें जिसे कहते हैं असली बात, सारी सच्चाई एक लाइन में हर हर आशिक उसकी आशिक दिल का मरीज होता है, फिर हर महबूब की गली में कोई ना कोई बदतमीज होता है, बात तो और दिल ये गाना मतलब मैंने तब सुना था जब इन्होंने पहली बार शायद वहां गया था डीडी जो चंडीगढ़ वाले थे वो जो है मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाले, ब्लैक एंड व्हाइट वाले वो तो ओरिजिनलिटी सारे गाने मतलब आसमान के चलते थे गाड़ियों में, गाड़ी में वही गाने चलते थे, तो और गाने थे ही नहीं ना कोई, और मेन चीज तो ये थी गाने थे और इतने यानी जो उस टाइम के जो सॉन्ग साउंड था और इनकी आवाज सबसे मेन चीज थी, यानी कि एक बार उस टाइम ओरिजिनल आती थी ना साउंड, एक बात यानी सुनने के बाद दिल हटता नहीं था कि छोड़ दें, सुनते रहे कंटिन्यूअसली सुनते रहे, यानी पूरा पूरा दिन होता था कैसेटें बजती रहती थी बजती रहती, बंद ही नहीं होती थी, और इस पे देखा मतलब लाइव एक ऑरा होता है एक आदमी का, गुरदास मान जी का वो ऑरा है, तुमने देखा होगा कि मतलब सारे ही कलाकार उनको सुनना चाहते थे और सारे वहां बैठे हुए थे और आवाज पे सारे थिरक गए, सारे डांस कर रहे थे और सब ऐसा था कि कोई भी उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आगे पीछे होना चाहता हो जिस टाइम इनकी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जब वो भी बच्चे थे तब भी इन्हीं के गाने सुन के बड़े हुए हैं, उनको सिंगर बनने की कईयों की इंस्पिरेशन ही है, वो तो उसी सीन से लग गया जब वो स्टेज से नीचे उतर के आए सारे इकट्ठे, सारे ऐसे इकट्ठे हो कि चलो भाई, और आज भी मतलब सबकी रिस्पेक्ट करना, जैसे वो उधर के आए थे शायद कोई सीनियर दिख गए होंगे या कोई साथ के दिख गए होंगे जिनकी वो जो रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनके मतलब ये हम कुछ बात करें कि ये वो उसका तो हम लाइक नहीं है कि हम म्यूजिक की या इनके सिंगिंग की या लिरिक्स की किसी चीज की बात करें, लेकिन हमें बहुत मजा आया, वर्ल्ड क्लास पूरी एनर्जी भर गई फिल्म में, इस लाइव परफॉर्मेंस देख के बहुत मजा, बहुत मजा आया, और कमल भाई को रिक्वेस्ट मतलब ये सजेशन देने के लिए थैंक यू, कमल भाई के लिए को मतलब हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये गाना सुजेस्ट किया, और ऐसे ही बहुत सारे और अच्छे गाने सजेस्ट कीजिएगा, अगर किसी के पास लिंक हो ये गुरदास मान जी के पुराने गानों के या हमें सेंड कीजिए, हाँ जो अपनी सिस्टर्स थी कौर सिस्टर्स उनके गानों के अगर हो तो वो प्लीज हमें वो भी सेंड कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा ताकि हम उनपे भी रिएक्शन कर सकें, तो ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे, तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और हमें सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख के आप रेगुलरली भेजते रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी सजेशंस देख के।